Good morning all of you. Now here the chapter number 4, class 8. The name of chapter, National Integration. National Integration का means होता है राष्ट्रीय एकता, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमारी जो यूनिटी है वो बनी हुई है, हमारी नेशनलिटी बनी हुई है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है। ये हमारी नेशनलिटी है, ठीक है, हमारी नागरिकता है कि हम भारतीय हैं और हमारे अंदर एकता है, ठीक है। ये चैप्टर उसी के बारे में है, ठीक है। यहाँ से आपका एक सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन। नाउ नेशनल इंटीग्रेशन को समझने से पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। इसे यहाँ पर लिखा है कि बेस ऑफ एनी नेशन, ठीक है, कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है किसी भी देश का एक बेस होता है, एक आधार होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि बेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, बेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी नेशन, कि किसी भी नेशन का एक बेस होता है, एक आधार होता है, ठीक है। क्या नेशनल इंटीग्रेशन, यदि वहां पर इंटीग्रेशन नहीं है तो उस देश में यूनिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी हमला कर सकता है। नाउ फिर नीचे मैंने लिखा है कि नेशन इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ स्टेट, कि जो नेशन है वो किसी स्टेट का सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इट इज नॉट अ कास्ट आइदर, ये कोई कास्ट नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जनरली द नेशन रिप्रेजेंटेड द कलेक्टिव, ये नेशन जो है, नेशन का मतलब समझ लीजिए आप क्या होता है, कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर जियोग्राफिकल फीलिंग ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के लोग, कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग जियोग्राफी से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड, जैसे भारत की भूमि जहां तक है, भारत का बॉर्डर जहां तक है, उस जमीन के अंदर रहने वाले लोगों में एक यूनिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब यहां पर ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, कि एक्चुअली में नेशनल इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि फीलिंग ऑफ वननेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रीजन लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग द सिटीजन ऑफ अ नेशन, कि जब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वो लिखा है कि फीलिंग ऑफ वननेस, कि एकता की भावना होनी चाहिए, वननेस होना चाहिए लोगों में, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रीजन लैंग्वेज, ठीक है, कि हमको ये नहीं देखना है, हमको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है कि भैया वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सी भाषाओं को बोलने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इन सभी चीज़ों को ध्यान ना देते हुए हमको वननेस की फीलिंग को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करना है, यही हमारी नेशनल यूनिटी है, ठीक है। और लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन ऑफ अ नेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लोगों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। नाउ बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग, द फीलिंग ऑफ यूनिटी वननेस अमंग पीपल इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि यूनिटी की फीलिंग आनी चाहिए, वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, एकता की फीलिंग होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में एकता है, ठीक है। नाउ फिर नेक्स्ट लिखा है कि द नेशनल इंटीग्रेशन सिंबॉलिक द कमिटमेंट बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ द सिटीजन, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपोज द फोर्स एंड फीलिंग विच वीकन द इंटीग्रेशन एंड यूनिटी ऑफ द नेशन एंड परफॉर्म ड्यूटीज विच स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो ये एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि वो ऐसी फीलिंग्स को दूर करे जो हमारी यूनिटी को तोड़ती है, हमारे इंटीग्रेशन को तोड़ रही है, ठीक है, यही नेशनल इंटीग्रेशन है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है। थैंक यू।